हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं तुड़िया की सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे कहीं कहीं पे तुड़िया, कहीं गलका, कहीं निनुआ, यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस सब्जी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस पे एक कढ़ाई लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल। तो हम यहाँ पे सरसों का तेल डाल रहे हैं, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई यानी कि मस्टर्ड सीड, और दोनों को हम अच्छे से चटकने देंगे। तेल में जीरा मस्टर्ड अच्छे से चटक चुका है, इसे हम लोग काला नहीं करते हैं, सिंपल चटकने देते हैं। फिर उसमें हम डालेंगे एक बारीक कटा हुआ प्याज। तो हमने बड़ा प्याज को छोटे छोटे स्लाइस में काट लिए हैं और इसे इसमें डाल देंगे। प्याज को करीबन हम इसे 1 से 1.5 मिनट तक भूनेंगे, यानी कि प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाए तब तक हमें भूनना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच कटा हुआ लहसुन। हमने 5 कली को छील के छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च जिसको हमने बीच से काट लिया है, और प्याज के साथ हम इसे भी भून लेंगे। प्याज लहसुन हरी मिर्च को हमने फोरन के साथ अच्छे से भून लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को स्लो कर लेंगे और इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम मिर्च डालेंगे, आप अपने तीखा के अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इन मसालों को 1 मिनट तक प्याज के साथ भून लेंगे जिससे इसका कच्चापन चला जाए। ध्यान रहे, कभी भी हम सूखा मसाला डालते हैं तो गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना चाहिए, नहीं तो मसाला जलने लगता है और उसका टेस्ट बिगड़ जाता है। तो अब हम मसाला को अच्छे से भूनेंगे। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब हम चलते हैं सब्जी की तरफ। तो ये है तुड़िया, यानी कि इसे हम लोग निनुआ भी कहते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से पील कर लेंगे पीलर से। हमने इसे पील कर लिया, अब हम चाकू की मदद से ऊपर वाले और नीचे वाले हिस्से को काट लेंगे, फिर इसे हम अच्छे से वाश कर लेंगे। तो हमने पहले ही 1/2 किलो तुड़िया को पील करके वाश करके काट लिया है, आप देख सकते हैं एकदम फ्रेश और क्लीन दिख रहा है। अब हम इसे सब्जी बनाएंगे। तो भुना हुआ प्याज लहसुन मसाला में हम इसे डाल देंगे और अच्छे से चलाएंगे। ये सब्जी बहुत टेस्टी होती है, तुड़िया का सीजन है, ताजी ताजी तुड़िया मिल भी रही है मार्केट में, और इस तरीके से बनाया हुआ सब्जी बहुत ही टेस्टी होता है। तो हमने मसाले के साथ तुड़िया को मिक्स कर लिया है। इसमें हमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये पानी बहुत ही छोड़ता है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे पहले पकाएंगे
जब ये पानी छोड़ देगा तो हम तेज फ्लेम करेंगे। तो हम इसे कवर करके 2 मिनट तक छोड़ देते हैं, जिससे इसका पानी अच्छे से निकलने लगे। हमने कुछ देर के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लिया है सब्जी को। आप देख सकते हैं पानी छोड़ा है इसने। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक डालने से गलका जो है वो पानी बहुत छोड़ता है। तो हम इसमें नमक डालेंगे, अंदाज से डालेंगे, क्योंकि पानी सूखने के बाद नमक ज्यादा ना लगे। नमक पहले डाल रहे हैं कि पानी ये जल्दी छोड़ेगा। और मिक्स करके हम इसे तेज फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे। कवर लगा के ही हमें पकाना है, जिससे अच्छे से गल जाए सब्जी। 10 मिनट हो चुके हैं, हम सब्जी एक बार चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना पानी छोड़ा है नमक डालने के बाद, और तूड़िया भी अपना गल चुका है। अब हम इसे हल्का सा ऐसे प्रेस करते हुए चलाएंगे और तेज फ्लेम पे इसे चलाते हुए 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे। अगर आपको रस्सा पसंद है तो कम भूनिए, थोड़ा सूखा भूनना है तो 5-6 मिनट तक भून लीजिए। लेकिन ये सब्जी सूखा ही भूनने पे अच्छा लगता है, तो मैं इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी। सब्जी को हमने 5 मिनट तक चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी तैयार हुई है। तो बस हमें ऐसे ही तूड़िया की सब्जी पसंद है। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे, इसे सर्विंग बाउल में निकालेंगे। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है और जल्दी बन भी जाता है। तूड़िया का सब्जी बनकर तैयार है। आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है और खाने में टेस्टी और हेल्दी है। इसे आप रोटी, चपाती, चावल के साथ खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।